गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन, डेट इज कैनरा बैंक पीओ का एग्जामिनेशन, वो ओवर हो गया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मॉर्निंग शिफ्ट में जीके के क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में। आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चंस आप ही लोगों ने हमें भेजे हैं, तो ये हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस एग्जाम नहीं था, तो इसमें कुछ त्रुटियां भी होंगी, तो काइंडली करेक्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। So let's begin. Friends, welcome to your own channel, The Humble Guy. Let's begin. First question was very easy. Who is the present Chief Minister of Tripura? आपको हमेशा बताते हैं कि all the northeastern states जो भी हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, साथ में सिक्किम, तो ये जो 6-7 states हैं, 8 states हैं, इसमें ये बहुत important रहते हैं Chief Minister और Governor के concern में। तो यहाँ पर इन्होंने त्रिपुरा का CM पूछा था। अब से कुछ दिन पहले एग्जाम एक हुआ था जिसमें शायद सभी में उन्होंने मेघालय का सीएम पूछा था, जो श्री कोनेट सांगमा है, और त्रिपुरा का सीएम यहाँ पर इसका सही उत्तर था श्री बिप्लव कुमार देव। दूसरा सवाल था, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपको पता है, बिहार के गवर्नर थे श्री सत्यपाल मलिक, और उन्हें थोड़ी दिनों पहले जो शफल हुआ उसमें जम्मू कश्मीर का नया गवर्नर बनाया गया, तो इसका उत्तर था सत्यपाल मलिक। दीप महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन अयोध्या, अयोध्या में मनाया जाता है। इट इज सिचुएटेड अक्रॉस विच रिवर, मतलब यहाँ पर यह पूछा गया कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर है द रिवर सरयू। फास्टेस्ट क्रिकेटर टू रीच 10,000 रन इन टेस्ट, इसका ये बहुत आसान सा सवाल था, आंसर है विराट कोहली। मधुबनी पेंटिंग इज अ फेमस टाइप ऑफ पेंटिंग, इट इज प्रिवेलेंट इन विच इंडियन स्टेट। मधुबनी पेंटिंग जो है, जो कला है, वो एक टाइप की पेंटिंग है, और ये किस स्टेट में मशहूर है, तो इसका उत्तर था बिहार। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 वॉज गिवन पोस्थमसली टू विच ग्रेट एक्टर, वन ऑफ द सिनेमेटिक ग्रेट्स, द आंसर इज श्री विनोद खन्ना। On 4th December 2018, India and UAE signed a currency swap agreement. Swap मतलब अदला बदली, तो यहाँ पर करेंसी का अदला बदली कितने अमाउंट की हुई, द आंसर वो 35 बिलियन रुपीज, भारतीय मुद्रा में वो 35 बिलियन रुपीज का आदान प्रदान जो स्वैप होगा वो होगा। रिसेंटली गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी टू लुक इनटू सेलिंग ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड्स ओन्ड बाय ONGC, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, टू प्राइवेट कंपनीज। हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी, 6 मेंबर की कमिटी थी, इनके जो हेड हैं वो हैं श्री राजीव कुमार। कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हाल ही में हुए, वो हेल्ड इन प्लेस का नाम पूछा था, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्कीम फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज, शायद ये 40 सर्विसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड द आंसर इज दिल्ली। विच इज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल लैंग्वेज टू गेट ओन विकिपीडिया एडिशन, और ये गौरव प्राप्त हुआ भारत के एक जनजातीय भाषा जो बहुत बोली जाती है झारखंड के आसपास इलाकों में, संथाली। अगला सवाल था, इंडिया गेट्स $150 मिलियन लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर फर्स्ट स्किल पार्क, ठीक है, फर्स्ट स्किल पार्क इन विच इंडियन स्टेट, द आंसर इज मध्य प्रदेश। वर्ल्ड लीडर्स मेट एट द यूनाइटेड नेशंस लेटेस्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन कैटोवाइस, पोलैंड, टू डिस्कस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डैश पेरिस एग्रीमेंट, यहाँ पर ईयर पूछा था, द आंसर इज 2015। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम NIRF के नाम से भी जानते हैं, रैंक्ड विच यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी, एज द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ अ कंट्री, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु। रेलवे प्रोग्राम ऑन एथिक्स इन पब्लिक गवर्नेंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज इज नेम्ड एज, का क्या नाम रखा गया, मिशन सत्यनिष्ठा। The world's first AI, that is artificial intelligence news anchor, has been launched by which country? और ये गौरव प्राप्त हुआ चाइना को। देखते हैं अगले कुछ सवाल। World's largest solar rooftop is recently installed on which stadium? इसका उत्तर है मुंबई का प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम ब्रेबॉर्न। Which Indian cricketer is the latest to be included in ICC Hall of Fame? उत्तर था राहुल द्रविड़। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्रिकेट से हाल ही में इतने सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन इस एग्जामिनेशन में 3 सवाल, पहला विराट कोहली 10,000 रन, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, और तीसरा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में राहुल द्रविड़। इसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा फीचर रहती है ऐसे एग्जामिनेशंस की, तो इसमें पूछा गया युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। हु वन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल, बहुत लोगों ने इसका आंसर पंकज आडवाणी लिखा है, लेकिन सही उत्तर है सौरभ कोठारी। What is the name of the mobile app of Indian Railway e-procurement system? E means electronic procurement system, IREPS. The answer is here, it's Apurti. अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या सवाल थे और। Which IIT developed India's first microprocessor? शायद उसका नाम शक्ति था। तो
शक्ति को बनाया आईआईटी मद्रास ने। पाका सोलर प्रोब इज अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड बाय विच एजेंसी? इट्स नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने डेवलप करा। विच कंट्री फिनिशेज फर्स्ट रनर अप? विनर फ्रांस थे, और फर्स्ट रनर अप थे क्रोएशिया, सेकेंड रनर अप बेल्जियम। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कनेक्ट्स मेनलैंड चाइना, हांगकांग एंड मकाउ। रीसेंट रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ईएसआईसी में भी पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था लेकिन रिलेटेड, इसका उत्तर है 77। चलते हैं अगले कुछ सवाल की तरफ। विच इंडियन एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन इज अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? क्रिस्टन लगार्ड जिनकी अध्यक्षा है, और इसका उत्तर था जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ है वो चुनी गई है श्रीमती गीता गोपीनाथ। इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है, अगर कोई आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जरूर वो नोट डाउन कर लें। इसका उत्तर है वडोदरा, गुजरात। What was the theme of 2018 World Tourism Day? The answer is Tourism and Cultural Protection. Which railway station in Uttar Pradesh is renamed as Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction? काफी न्यूज़ में भी था ये। इसका उत्तर है मुगल सराय जंक्शन। What was the theme of 2018 Vigilance Awareness Week? इसका थीम था Eradicate Corruption, Build a New India. Expanded form of PCR जिसे Public Credit Registry भी कहते हैं। Who is the current chairman of the Federal Reserve? जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, लाइकवाइज जो फेडरल रिजर्व है दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके अध्यक्ष जो है वो जेरोम पॉवेल हैं। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII हैज रैंक्ड इंडिया एज द डैश मोस्ट इनोवेटिव नेशन इन द वर्ल्ड। कितने इनोवेशन में भारत का स्थान क्या है ये GII देती है, और करंट रेटिंग जो है भारत को मिली है वो है 57। The largest yoga participants record was created in which city? Recently 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे आपको पता ही है। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस बार राजस्थान के जो कोटा शहर है, जहां पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मशहूर है आईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए, वहां पर लोगों ने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो इसका उत्तर है कोटा, राजस्थान। इसके बाद अगले कुछ सवाल देखते हैं कि विच यूनिवर्सिटी हैज डिस्कवर्ड अ पिगमेंट इन वाइल्ड एडिबल मशरूम, ठीक है, वाइल्ड मतलब जंगली एडिबल खाने योग्य मशरूम, डेट मे हेल्प फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो इसका उत्तर है गोवा यूनिवर्सिटी ने ये डिस्कवर करा है कि वाइल्ड जो खाने लायक मशरूम है उसमें एक पिगमेंट है जो कैंसर के विरुद्ध जिससे लड़ा जा सकता है। इसके बाद हु हैज बीन नेम्ड एज द 2018 प्रिट्जर प्राइज विनर? ये शायद जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब मैप बनाते हैं हाउस, उसके उस फील्ड में दिया जाता है, और ये 2018 के जो गौरव है वो प्राप्त हुआ है श्री बाल कृष्ण दोषी को। INS विक्रमादित्य टू हैव मरीन हाइड्रोलिक सिस्टम्स फिटेड बाय विच कंट्री? ये 2004 में भारत ने लिया था रशिया से, और रशिया ही मदद करेगी इसको और रिनोवेट और मॉडिफाई करने के लिए। सोनम वांगचुक जो फिलहाल रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर थे 2018 के, तो उनका प्रोफेशन यहाँ पर पूछा गया था, और जैसा कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं काफी लोगों का आप में से प्रोफेशन इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर सोनम वांगचुक भी एक इंजीनियर हैं। इसके बाद द UNFCCC सेक्रेटरीट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है वो किस साल में बना था, ये सवाल था। इसका उत्तर है 1992। इसके बाद एक GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो तो नहीं मिल पाया। तो फ्रेंड्स टोटल 50 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन का लेवल अगर आप पूछें तो वो ईजी से मॉडरेट थे, इतने कोई कठिन सवाल भी नहीं थे। जिन्होंने अच्छे से जीके की तैयारी करी है तो उनको ये सवाल काफ़ी आसान लग रहे होंगे, और आराम से वो 35 प्लस स्कोर कर लेंगे। बाकी सेक्शंस के अगर कुछ सवाल मिलते हैं, या बाकी पूरे एग्जाम का जो एनालिसिस है वो अगर हमें सफिशियंट फीडबैक्स मिलते हैं तो वी विल कम विद डैट एनालिसिस। और अभी फिलहाल यही बता दें कि अब ये सेकेंड शिफ्ट के भी अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसमें अगर आप ये देखिए मोर और लेस कि जो IBPS ने जो पैटर्न फॉलो करता है वही फॉलो करा है, उन्होंने एक गवर्नर पूछा, एक चीफ मिनिस्टर पूछा, एक सिटी अक्रॉस द रिवर पूछा, ठीक है, फिर एक मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा, ठीक है, एक एक दो उन्होंने थीम पूछे, और फाइनेंस से जुड़े कुछ सवाल पूछे, और इकॉनमी से जुड़े कुछ सवाल पूछे। तो ये देख सकते हैं कि जिस पैटर्न पे जो IBPS क्लर्क एग्जाम अभी 20 जनवरी को देने
देंगे, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वीडियो को जरूर देखें और क्वेश्चंस को थोड़ा देख लें कि इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आईबीपीएस क्लर्क में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स और सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजें, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड गुड बाय।